स्टैंडर्ड फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज लुकिंग अराउंड। ठीक है, तो इसमें मैं आप हर एक चैप्टर से वो सब आपको करवाऊंगा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर वन से। सो चैप्टर वन इज गोइंग टू स्कूल। गोइंग यानी कि जाना, स्कूल यानी कि जहाँ पर हम जाते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल हम कैसे कैसे जा सकते हैं? हम वॉक करके जा सकते हैं, रन करके जा सकते हैं। ठीक है, स्कूल बस से जा सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, तो इसके ऊपर ही हम देखेंगे। चैप्टर वन, गोइंग टू स्कूल। लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। तो ये सब चिल्ड्रन है, ठीक है, और ये स्कूल, रीच यानी कि पहुंचना, तो स्कूल कैसे पहुंचते हैं? तो देखो, ये बैम्बू ब्रिज है। अब ब्रिज कैसा होता है कि कोई रिवर होती है तो उसको क्रॉस करने के लिए उसके ऊपर से ब्रिज बनाते हैं। ठीक है, जैसे रोड पे भी कोई ब्रिज होता है, जहाँ पे कोई ट्रैफिक होता है तो वहाँ पे ओवर ब्रिज बनाते हैं, यानी कि उसके ऊपर से जाता। तो ये कैसा ब्रिज है? ये रिवर के ऊपर से जाता है ब्रिज, तो ये है बैम्बू ब्रिज। तो बैम्बू क्या है? एक लकड़ी है, एक पेड़ है, ट्री है, उसकी जो लकड़ी काट के ये ब्रिज बनाया हुआ। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में स्टडी करते हैं, वो इसके ऊपर वॉक करके जाएंगे। इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव। रेन्स यानी कि बारिश होना, सो मच यानी कि बहुत ज़्यादा, वेयर यानी कि वहाँ, वी यानी कि हम, लिव यानी कि रहते। तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे रेन बहुत होता है, यानी कि बारिश बहुत होती है। अब बारिश बहुत होगी तो उसका मीनिंग क्या होगा? कि हर जगह पानी पानी हो जाएगा। समटाइम्स आफ्टर द रेन, आफ्टर यानी कि बाद में, समटाइम्स यानी कि कोई कोई बार, तो बारिश के बाद कोई कोई बार, देर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर। नी यानी कि जो हमारे जो घुटने होती है पैरों में, वो तो उतने तक पानी आ जाता है, वाटर यानी कि पानी, एवरीवेयर यानी कि हर जगह। तो अगर सोचो कि ये जो किड है, इसके ये नीस है, ठीक है, यहाँ तक पानी आ जाएगा तो उसको क्या होगा कि उसका पैर गीला हो जाएगा। उसके लिए क्या किया? एक बैम्बू ब्रिज बनाया जिससे कि उसके ऊपर वॉक करके स्टूडेंट्स जाएंगे। वी होल्ड अवर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू विद द अदर। तो हमारे कितने हाथ होते हैं? टू हैंड्स है, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड। तो देखो बच्चे क्या करते हैं, एक हैंड में अपनी बुक्स को पकड़ रहे हैं और दूसरे हैंड्स को ये बम्बू की स्टिक पे ऊपर सपोर्ट दे रहे हैं, और उससे धीरे धीरे वॉक करके ये क्रॉस कर लेंगे। तो इस तरह का उन्होंने बनाया हुआ। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल। क्विकली यानी कि बहुत ही जल्दी से, एकदम फटाफट, ठीक है, क्रॉस द बैम्बू, तो ये जो ब्रिज है उसको क्रॉस कर लेते हैं, एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल, और उसके बाद वो स्कूल्स पहुँचते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है ट्राई दिस। तो ये सब ब्रिक्स है, तो ये चिल्ड्रन ने क्या किया है कि ब्रिक्स को एक एक करके अरेंज किया है। तो राइट लेफ्ट, राइट लेग लेफ्ट लेग, राइट लेग लेफ्ट लेग, तो इस तरह से वो आगे आगे जा रहा है। तो ये भी एक वे है। नेक्स्ट इज द ट्रॉली। ये है ट्रॉली। अब ट्रॉली कैसी है कि एक रोप है, उस ट्रॉली में एक जो स्टूडेंट्स है वो बैठ जाएगा, थ्री और फोर स्टूडेंट, और ये ट्रॉली ऊपर जाएगी। ये माउंटेंस के बीच में है, एक माउंटेंस और दूसरा माउंटेन, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है, तो उसको क्रॉस करने के लिए ऐसे ट्रॉली का अरेंजमेंट किया हुआ है, ठीक है। ये लद्दाख में है, जो इंडिया में एक लद्दाख है जो माउंटेन का एरिया है, तो वहाँ पर ऐसा ट्रॉली यूज़ किया जाता है। थर्ड ट्रॉली। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। तो दो माउंटेन के बीच में रिवर है, ठीक है, और वो रिवर को उनको क्रॉस करना पड़ता है। द रिवर इज वाइड एंड डीप। वाइड यानी कि चौड़ी है, एंड डीप यानी कि उसका पानी बहुत ही नीचे तक है, ठीक है, यानी कि कोई डूब के मर जाए। देर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। तो ये जो रोप है वो आयरन का है, लोहे का है, स्ट्रॉन्ग यानी कि एकदम मजबूत है, ब्रेक ना हो वैसा। ऑन बोथ द साइड्स इट इज टाइड टाइटली विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। तो ये जो रोप है तो उसका एक एंड होगा, दो एंड हो गए, जैसे कि कोई भी हम धागा लेते हैं, ये पेन है, ठीक,
ये उसका एक एंड है, ये सेकंड एंड। तो इसी तरह से ये जो रोप है उसका भी एंड है, जैसे कि एक धागा होता है तो उसका एक एंड है, तो एक एंड को कहीं पे लगाया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, दूसरे एंड को भी फिक्स किया हुआ है। रोप पे आपने कहीं देखा हो तो उसमें भी इस तरह का होता है। देयर इज, और ये जो टाई किया हो यानी कि टाई यानी कि बांधना, बांध देते हैं, तो वो ट्री से यानी कि कोई बड़ा ट्री हो उससे, या फिर रॉक यानी कि बड़ा पत्थर उससे बांध देते हैं। देयर इज अ ट्रॉली एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड, तो ये एक बॉक्स जैसा है, वुड से बना, वुड यानी कि लकड़ी, ठीक है, ये ओपन बॉक्स है, जैसे कि हम बॉक्स में मशीन रखते हैं, कुछ आइटम रखते हैं, लेकिन ये बॉक्स ओपन है। इससे क्या होगा कि ये जो स्टूडेंट है इसके अंदर यहाँ से चला जाएगा। अटैच विद द रोप, तो ये जो ट्रॉली है उसको रोप से कनेक्ट किया हुआ है, इसके ऊपर एक टायर है वो घूम के ले जाएगा। फोर और फाइव ऑफ अस सीट इन द ट्रॉली, तो फोर या फाइव स्टूडेंट्स इसमें बैठ जाएंगे, सीट यानी कि बैठना। अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप, तो पुली कौन सी है, ये वाली पुली है, ठीक है, ये इसको क्या करती है कि जो ट्रॉली है उसको मूव कराती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम, तो ये रिवर की एक साइड है, रिवर की सेकंड साइड पे उनको जाना है, शॉर्ट यानी कि कम, तो वो कम वक्त में पहुंच जाएगा, टाइम यानी कि वक्त, ठीक है, तो शॉर्ट टाइम में ये पहुंचा देता है। अगर रिवर क्रॉस करना पड़े स्टूडेंट को तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पानी में धीरे धीरे संभल के चलना पड़े। यहाँ पे देखो एक और पिक्चर दिया हुआ है, तो आपने वेल देखा होगा, कुआ कहते हैं, उसमें बाल्टी डालते हैं, फिर बाल्टी एकदम नीचे जाती है, फिर पानी आता है, फिर वो बाल्टी को खींचते हैं, तो ये भी एक पुली है। तो ये जो ऊपर का जो ट्रॉली था वो इसी तरह से वर्क करता है, ये आपने देखा होगा। नेक्स्ट है सीमेंट ब्रिज, सीमेंट यानी कि जो घर में जो हमारा घर बनता है, सीमेंट ब्रिक रेत सबको मिला के बनता है, तो ये सीमेंट का ब्रिज। तो सीमेंट का ब्रिज तो आपने बहुत जगह देखा होगा, आपका घर है वो भी सीमेंट का ही बना हुआ है, तो नीचे रिवर है और उसके ऊपर ये सीमेंट का ब्रिज, तो इस पे स्टेयर्स होगी, तो स्टूडेंट्स स्टेयर्स को चढ़ेंगे और बाद में वॉक करेंगे और बाद में नीचे जाएंगे। वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, तो ये सब वाटर बॉडीज है, ठीक है, वाटर बॉडीज यानी कि उसमें वेल भी आ गया, रिवर भी आ गई, पॉन्ड भी आ गया, सी भी आ गई, तो ये सब जहाँ पे वाटर बड़ी अमाउंट में हो तो उसको वाटर बॉडी कहते हैं। सो वी यूज ब्रिजिस, तो ये ब्रिज है, दिस आर मेड ऑफ सीमेंट, तो ये सीमेंट से बना हुआ है, आगे हमने जो देखा था वो वुड से बना था, लकड़ी से, ये सीमेंट का है। ब्रिक्स एंड आयरन रोड्स, तो आयरन रोड्स होते हैं जो इसमें सपोर्ट के लिए अंदर रखे होते हैं, और ब्रिक्स यानी कि ईंटें, तो इन सबको मिला के ये बनता है। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स, अब स्टेप्स कैसे होते हैं कि इस तरह के स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आपके घर में जो सीढ़ी होगी तो उसमें भी ऐसे स्टेयर्स होंगे, ठीक है, एक एक करके ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के लिए नीचे जाने के लिए, तो यहाँ भी स्टेयर्स है, स्टेप्स है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर नीचे आने के लिए डाउन स्टेप्स है, तो ये हो गया सीमेंट ब्रिज, तो चाइल्ड है इसको उसके ऊपर से जाएंगे। नेक्स्ट इज अ वल्लम, तो ये कैसा है, एक बोट है, छोटा सा बोट, तो बोट में स्टूडेंट्स बैठ जाएंगे, उसके बाद वो सब वहाँ से आगे निकल जाएंगे, ठीक है। इन सम पार्ट्स ऑफ केरला, तो केरला एक स्टेट है जो कि साउथ इंडिया में है, इंडिया का जो साउथ है नीचे का पार्ट, वहाँ पे एक स्टेट है। वी यूज अ वल्लम स्मॉल वुडन बोट टू रीच स्कूल, तो ये एक बोट है, तो बोट में बैठ जाते हैं, उसके बाद उसको बोट को उसका जो चलाने वाला होता है ड्राइवर वो उसको मारता है, उससे वो बोट आगे जाती है, लकड़ी से जो हलेसिया होता है उसे हिलाता है, तो उसके बाद वो आगे जाएंगी, तो एक जगह से दूसरी जगह आएंगी, फिर वो स्टूडेंट नीचे उतर जाएंगे, फिर दूसरी, ऐसे चार पांच स्टूडेंट करके, फोर फाइव स्टूडेंट, फोर फाइव स्टूडेंट, इस तरह से स्टूडेंट्स
सब आते जाएंगे। तो ये एक बोट है, तो उसका भी यूज होता है, उसका नाम है वल्लम बोट। इसके अलावा भी एक और है कैमल कार्ट। कैमल यानी कि ये ऊंट एक एनिमल है, उसको कैमल कहते हैं। कार्ट यानी कि उसके पीछे एक ऐसा टायर और बैठने का अरेंजमेंट कर दिया, तो ये कैमल कार्ट है। तो ये कहाँ का एरिया है? रेगिस्तान है, डेजर्ट। वी लिव इन द डेजर्ट। तो ये सब स्टूडेंट्स है, चिल्ड्रन, वो डेजर्ट में रहते हैं, रेगिस्तान में। देयर इज सैंड ऑल अराउंड। तो सैंड कैसी होती है? बड़ी होती है, और मिट्टी एकदम छोटी होती है, ठीक है। तो सैंड होती है वहाँ पे, धूप भी बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है, और डेजर्ट होता है उसमें ट्रीज कम होते हैं। देखो आपको यहाँ पे कोई ट्रीज दिख रहा है, क्योंकि बहुत ही कम होते हैं। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे। हॉट यानी कि बहुत ही गर्म हो जाना, जैसे कि समर में बहुत ही हॉट होता है, वैसे ही डे में हॉट हो जाता है, क्योंकि रेगिस्तान ऑलवेज ज़्यादा हॉट होता है। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल। तो ये जो कैमल कार्ट है उसके अंदर बैठ जाते हैं, और फिर ये कैमल है इन सबको खींच के ले जाता है स्कूल तक, और ऐसे स्टूडेंट्स रीच करते हैं। तो ये कैमल कार्ट है, इसमें कैमल जो एनिमल है उसका यूज होता है। नेक्स्ट है बुलॉक कार्ट। बुलॉक यानी कि बैल, तो ये एक एनिमल है। सेम वे में यहाँ पे दो बुलॉक लगाए होते हैं, दो टायर होते हैं, और बाकी का पार्ट है वो वुड का बना है, लकड़ी का। विलेज इन द प्लेन्स। तो एक विलेज है वहाँ पे ये ऐसे बुलॉक कार्ट यूज़ होती है। ये बुलॉक है वो एग्रीकल्चर फार्म में भी यूज़ होता है, खेती करने के लिए। वी राइड इन आवर बुलॉक कार्ट। तो स्टूडेंट्स इसमें बैठ जाते हैं। गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स। ग्रीन यानी कि हरा, तो ये ग्रीन कलर है, ग्रास है, ट्रीज है, तो इसके थ्रू ये जाएगा। इफ इट इज टू सनी और रेनिंग वी यूज अवर अम्ब्रेलास। टू सनी यानी कि अगर धूप बहुत है तो गर्मी लगेगी, तो ये अम्ब्रेला से क्या होगा कि उसका शेड होगा तो थोड़ा छाया रहेगा, ठंडक रहेगी। और रेन होगा तो रेन में अम्ब्रेला यूज होती है, जिससे कि भीगे नहीं कोई। तो अगर टू सनी है यानी कि समर है और बहुत धूप है, तो भी अम्ब्रेला का यूज होता है। रेनिंग होता है, बारिश होती है, तो भी ये यूज करते हैं। यूज यानी कि इस्तेमाल करना, तो ये चिल्ड्रन है इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक अम्ब्रेला है। नेक्स्ट इज अ बाइसिकल राइड। बाइसिकल यानी कि ये जो साइकिल है वही है, जिसमें टू टायर्स होते हैं, उसके ऊपर एक बैठ सकता है एक चिल्ड्रन, और इसके पीछे कोई कोई साइकिल में एक दिया होता है जिसके ऊपर साइड स्टैंड पे दूसरा स्टूडेंट भी बैठ सकता है, बाइसिकल राइड। तो ये खुद ही ड्राइव करनी पड़ती है, अपने पैरों से इसको मारना पड़ता है पैडल, और ऐसे वो चलता है। वी राइड अवर बाइसिकल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। तो ये सब चिल्ड्रन है वो बाइसिकल को राइड करते हैं। एट फर्स्ट गर्ल्स हियर डिड नॉट गो टू स्कूल। तो ये जो जगह है वहाँ पे गर्ल्स स्कूल नहीं जाती थी पहले, बिकॉज इट वॉज टू फार। फार यानी कि दूर होना, तो बहुत दूर था। बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7-8 गर्ल्स इजीली राइड इवन थ्रू द डिफिकल्ट रोड्स। तो ये जो 7-8 गर्ल्स का ग्रुप है वो रोड से ड्राइव कर लेता है, राइड कर लेता है। तो ये बाइसिकल राइड है। नेक्स्ट इज अ जुगाड़ वाटर व्हीकल। तो ये गुजरात है, उसमें एक ये जो मोटरसाइकिल है, ठीक है, उसके पीछे ये लगा दिया गया है कार्ट जैसा, एक मोटरसाइकिल और कार्ट दोनों को मिला के बनाया है जुगाड़ व्हीकल। इसमें चिल्ड्रन है बैठ जाएंगे और ये इसको बाइक को चला के ले जाएंगे। लुक एट अवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इट साउंड्स फुट 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 व्हेन इट रन। तो ये जब स्टार्ट होता है तो फुट 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 आवाज़ आती है। इज इट नॉट समथिंग स्पेशल। द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल बट द कैरेज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड। तो ये जो आगे का पार्ट है ये मोटरसाइकिल है, और पीछे का जो पार्ट है जो कैरेज है वो वुड से बना है, लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी यूज होता है। नेक्स्ट चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। तो ये जंगल है,
तो चिल्ड्रन इसको वॉक करके क्रॉस करते हैं. वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल. थिक यानी कि गाढ़ा, यानी कि इसमें बहुत सारे ट्रीज हो, ग्रास हो. एट सम प्लेसेस इट इज सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू. तो सपोज कि बहुत बड़ा ट्री है तो आपको इसके नीचे बहुत शेडो मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगी. तो यहाँ पे ऐसा ही है कि कुछ प्लेस पे देखो एकदम डार्क है क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं आ पाती क्योंकि ट्रीज बहुत बड़े हैं और बहुत ही थिक है. इट इज ऑल्सो वेरी साइलेंट. साइलेंट यानी कि शांत होना, वहाँ पे कोई आवाज़ ना आना. यू कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स. बर्ड्स यानी कि पंछियाँ, डिफरेंट यानी कि अलग अलग. तो पंछियों में स्पैरो होता है, पिकॉक होता है, ऐसे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो कि ये जंगल में रहते हैं. ठीक है, तो उनका आवाज़ आएगा कि जैसे कि कौवा काएं काएं करता है, वैसे हर एक बर्ड का डिफरेंट डिफरेंट वॉइस होता है. तो उसकी उनका जो साउंड है वो आएगा जंगल में. अदर क्रिएचर्स यानी कि बाकी जो रहते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे कि चूहा है, शेर है, उन सबका आवाज़ आएगा. नेक्स्ट है मूविंग ऑन द स्नो. स्नो यानी कि बर्फ. तो ये जो माउंटेंस है, स्नो के माउंटेंस जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वहाँ पे होते हैं इंडिया में. सी हाउ वी रीच स्कूल. तो ये कैसे जा रहे हैं. वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो. तो ये चिल्ड्रन स्कूल जाने के लिए ये स्नो को क्रॉस करके जाएंगे, उसके ऊपर वॉक करेंगे. वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली. तो ये देखो एक दूसरे के हाथ को होल्ड करें, होल्ड यानी कि पकड़ना.